आसिबा खबर भितर को बीजेडी नेतांक दबंगिरी भोट देले नाही बोली अपहरण करिले आउ माड़ मध्य मारिले एपरी अभियोग आसी बौद्ध मनमुंडा थाना सगड़ा अंचल आ अभियोग होई बीजेडी रो जिला परिषद जोन 4 नंबर रो प्रार्थी बयंती प्रधान का स्वामी विपिन प्रधान का नाम रे अभियोग अनुसार आज अपराह्न 12टा समय रे सगड़ा पंचायत रो जोरसिंह गांव रो नारायण कहर एवं तांकर जने संपर्कीय बड़ भाई तुम्बेश्वर कहर घर को फेरुवा समय खंडीकंपा गाँ मुंडरु अपहरण करि निया जायथिला बीजेडी जिला परिषद प्रार्थिनी बयंती प्रधान का स्वामी विपिन प्रधान एवं तांकर अन्य सात सहयोगी द्वयं को अपहरण करी पहाड़ उपरे थिबा एक जंगल को नै जायथिले निर्वाचन समय रे तुमे आमको भोट न दे बीजेपी सपक्ष रे मतदान करथिबा अभियोग आनी उभय को प्रबल माड़ मध्य मारिथिले तबे सेटारे दीर्घ समय माड़ मारिबा परे संध्या समय रे सेमानन को छाड़ी देथिले नै राती 11टा समय रे नारायण एवं तुम्बेश्वर मनमुंडा थाना रे एक लिखित अभियोग करिछंती तबे एने अधिक सूचना देउछंती आम प्रतिनिधि हिमांशु साहू तबे अधिक आलोचना पे आम सहित जोड़ प्रतिनिधि हिमांशु तबे हिमांशु वर्तमान जहाँ देखा जाऊँगी ये जो घटना सामना को आसी अपहरण करिबार जो घटना आसी सामना को तबे केमिति रही कौन रही यार सूत्रपात केमिति होता है घटना दुर्गा बौद्ध जिला सगड़ा ग्राम पंचायत अंतर्गत जोरसिंह ग्राम नारायण कहर और तुम्बेश्वर कहर जिते घर को फेरुले से खंडिकंपा एक नाल अच्छी नालू अपहरण कर जंगल भितर को अपहरण करना जंगल भितर निस्तुक माड़ मारे छाड़ देते आड़ कौन मारे अपहरण कौन करते तार कारण हूँ जे गत चलित त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन निकट में बीजेडी को कहीं भोट दे बीजेपी को कहीं मतदान कल बीजेपी कहीं बीजेपी कहीं भोट दल एभली अभोग कर दुई सगड़ा ग्राम पंचायत जोरीसिंह ग्राम जी नारायण कहर आदिवासी लोक नारायण कहर और तुम्बेश्वर कहर को जी 4 नंबर जिला परिषद जोन रु बीजेडी समर्थित प्रार्थी होते बयंती प्रधान स्वामी विपिन प्रधान आर सात सहयोगी एकत्रित हो खंडिकंपा नाल उठाई नहीं अपहरण करते जंगल भितर निस्तुक माड़ मारे आड़े जेहेतु ये माड़ मारी निस्तुक माड़ मारिया पर दुई जन जो दुई भाई संपर्क दुई भाई से मनमुंडा थाना लिखित अभियोग कर मनमुंडा थाना अधिकारी निकट में द्वारस्थ होती वर्तमान सुधा मनमुंडा पुलिस कौन तदंत आरंभ करापड़ी जहां जमापड़ी जो चलित त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में बौद्ध जिलार जो 4 नंबर जिला परिषद जोन रही 4 नंबर जिला परिषद जोन में बीजेडी प्रार्थी होते बयंती प्रधान और बीजेपी प्रार्थी होते इंजीनियर राकेश त्रिपाठी पाखापाखि 5000 भोट व्यवधान में बीजेपी प्रार्थी राकेश त्रिपाठी 4 नंबर जिला परिषद जोन में विजय लाभ करते तेज 5000 भोट व्यवधान में बीजेपी प्रार्थी जी थे बयंती प्रधान से पराजय करते भित्ति करी कहीं आमको भोट देलनी जो बीजेडी जो प्रार्थी थे बयंती प्रधान स्वामी विपिन प्रधान दबंगिरी देखी जो आदिवासी लोक अपहरण कले प्रथम आस्तुक माड़ मार नहीं मनमुंडा थाना अभियोग यहां हूँ निर्वाचन मामला चलित त्रिस्तरीय निर्वाचन सर पाखापाखि दीर्घ दिन बीतीगला एपर्यंत बौद्ध जिले में निर्वाचन हिंसा कमिबार ना धरुनाए क्योंटा ना क्योंकि निर्वाचन गोटे प्रकार निर्वाचन हिंसा निर्वाचन परवर्ती हिंसा गोटे प्रकार अंगुली निर्देश कर जेहेतु काहेकि से माने भोट देले नाही बोली अभियोग करुछंती तांकु कहउछंती आ ता फळरे अपहरण करिछंती तबे पुलिस पाखरे घटना पहुंचिबा परे पुलिस कोन पदक्षेप नै छि तांकर प्रतिक्रिया कोन रहउछि वर्तमान देखो भोट देवा हूँ निजर व्यक्तिगत मतामत करेंगे भोट दान से बाध्य इच्छा है से माने बीजेपी को देले अबा बीजेडी को देले कौन प्रार्थी को देले मन पसंदर प्रार्थी को देले किंतु बीजेडी को कहीं देलनी बीजेपी को कहीं देल कारण जो आदिवासी संपर्क दुई भाई से उठे नहीं कि निस्तुक माड़ मारे आड़ीदे छाड़ देवा मनमुंडा थाना दुई भाई अभियोग करोग कलापाखि अभियोग कर 12-13 घंटा बीतीगला पर्यंत मनमुंडा थाना पुलिस कौन तदंत करना कि तदंत कर नागंध धरुना जहां फल जो पुलिस जिते अन्यार शिकार होती आदिवासी दुई संपर्क दुई भाई एवं जिते मनमुंडा थाना पुलिस निकट में न्याय विचार पर थाना द्वारस्थ होती कि मनमुंडा थाना थाना अधिकारी कौन यार तदंत करूना ना आगू बढ़ुना बोध हुए जहां जमापड़ी मनमुंडा थाना अधिकारी कौन बीजेडी नेता चाप से रही जहां फल मनमुंडा थाना अधिकारी घटनार तदंत आरंभ एजाबत करना जहां आम मनमुंडा थाना अधिकारी सूचना
ଯାହା ଯାହା କଥା ହଉଥିଲୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 12 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଅପହରଣର ଶିକାର ହେଲେ ତାପରେ ମିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ନା କାହା ପାଖରୁ ନା ବିଜେଡିର ଯିଏ 4 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିପିନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅନୁମାନ କରିହେବ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 12 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲାଣି ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଚୁପଚାପ ବସିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନି ତେବେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି କି ପୋଲିସ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନି ଯେହେତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରାଯାଉଛି ପୋଲିସ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରେସର ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ ତେବେ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଅପହରଣ କରି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ କେହି ବାହାରିଲେଣି କି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଥାନା ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ଆ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ବୈଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିପିନ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କୁ ତ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟ 7 ସହଯୋଗୀ ଯୋଉ 7 ଜଣ ମିଶିକି ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଇନି କେବଳ ଏମାନେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀର ଦୁଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କଥା ହଉଥିଲୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବୌଦ୍ଧ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମତଦାନ କରିବା ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଆମେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଲୁ ନ ଦେଲୁ ସେଟା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇନ ବୋଲି ଏଭଳି ଆଦିବାସୀ ଦୁଇ ରହିଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦୁଇ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି ଅପହରଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିକି ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ 4 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ବି ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଯୋଉ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେଡିର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ବୈଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିପିନ ପ୍ରଧାନ ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର ମାଡ଼ ମାରିବା ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ଏହାକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ମହଲରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ବୌଦ୍ଧ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ କୌଣସି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିବେ ନଚେତ ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ହିମାଂଶୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଘଟଣା ଯାହା ବି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି କି ଯଦି ଏ ଘଟଣାର ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ତେବେ ଏହାର ଭିତରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିବା କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିନି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତେବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହିମାଂଶୁ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ମଦ୍ୟପ ପୁଅର ଅମାନୁଷିକ କାଣ୍ଡ ମଦ ପିଇ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପୁଅ ଏଭଳି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆପଣ ଆଗରୁ ମାନେ କେବେ ବି ଶୁଣିନଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମାନୁଷିକ କାଣ୍ଡ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ପୁଅ ନବରଙ୍ଗପୁର ଦାରୁବନ୍ଧ ସାଇ ବନ୍ଧଉଡ଼ାରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସର ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରହିଛି ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ନବୀନ ଅମନାତ୍ୟକୁ ଗିରଫ ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜେମା ଅମନାତ୍ୟ ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମାଆକୁ ମାରିଦେଇଛି ପୁଅ ତାପରେ ମଦ୍ୟପ ପୁଅ ମଦ ପିଇ ତାର ଅମାନୁଷିକ କାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହଯୋଗୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ ତେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମଦ୍ୟପ ପୁଅ ମଦ ପିଇ ନିଜ ମାଆକୁ ବି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛେଇନି କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମାମ ସୂଚନା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ଯେ ଯୋଉ ମା ଛୋଟରୁ ଯାର ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ବଢିଥାଏ ବଢେଇଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ ଗୋଟେ ମା ଯେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଅ ସେବା କରିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାରର ଭିତରେ ଜଡିତ ହେଇ ଗୋଟେ ପୁଅ ମଦ୍ୟପର ଲିପ୍ତ ରହେ ମଦ୍ୟପର ଲିପ୍ତ ରହିକି ମାଆଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗେ ଯୋଉ ମାଆଙ୍କୁ ପଇସା ନ ଦେବାରୁ ଇଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଇଏ ତ ସବୁଠୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ବୋଲି ମୋର ମନେ ହୁଏ ଯେହେତୁ ଜେମା ଅମନାତ୍ୟ ଯେ ମାଆଙ୍କର ବୟସ ରହୁଛି 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସିଏ କ'ଣ ହଉଛି ନା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝୁପୁଡି କୁଡିଆ ଭିତରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ମା ପୁଅ ଭିତରେ ଏବଂ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ଯଦି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ମାସକୁ ଯୋଉ ପେନ୍ସନ୍ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାସକୁ ଚାଉଳ ପିଡ଼ିଏ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଦ୍ୟପ ପୁଅ ଦିନ ମଜୁରିଆ କଲା ପରେ ବି ଏଇଭଳି ମଦ୍ୟପ ପାନ କରି ଆସେ ସବୁଦିନ ମାଆଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରେ ମାଆଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯିବ ଯୋଉ ପୁଅ ମାଆଙ୍କୁ ସେବା କରିବା କଥା ସେ ପୁଅ ଯଦି ମାଆଙ୍କର ସାହାରା ବା ମାଆଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିବ ମାଆଙ୍କୁ ପଇସା ନ ଦେଲେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମା ପୁଅର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ମା ପୁଅର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି ସେଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସାମାଜିକର ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହିକି ଏହିପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁଅକୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ପୁଅ କ'ଣ ଦଉଛି କି ମଦ ପିଇ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି କରିଛି ନା ପୁଅ ତରଫରୁ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ
हाँ पुआ तरफ पर जोड़ा आम संपूर्ण भाव में मतामत नहीं पार्न तथापि मद्यप पुआ से निजे स्वीकार कर माँ को हत्या कर पुलिस बर्तमान गिरफ्त कर पुह को तेज अधिक तदंत जारी रही कारण माँ को हत्या कर मद्यप युवक कौन अभोग थे माँ पाखे किसी दाबी करके भी समस्त प्रकार नजर को लेकिन तथ्य मूल को लेकिन बर्तमान तदंत जारी रही पुह गिरफ्त कर पुलिस कस्टडी बर्तमान रही तबे वर्तमान रामचंद्र पुलिस रो कौन रही प्रतिक्रिया पुलिस कौन कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण कर निश्चित भाव पुलिस तो संपुक्त अपराधी को गिरफ्त कर गोटे पट देखे पौरपालिका निर्वाचन ये उपर भी आईनगत श्रृंखलागत रक्षा करने पुलिस सब जगार प्रस्तुत रही सेपटे जो यही हत्या घटना को भी निजे पुलिस दुईपट नजर करेहेतु निर्वाचन रोच निर्वाचन निश्चित भाव में यही कुसंस्कार भितर जोड़ित थे यहां लेकिन भी पुलिस अंपट तदंत जारी रही तेज संपूर्ण एवं पर्यटन तथ्य मिल पारे पुलिस विभाग पक्षर कितु जहां जना पड़ी पुलिस संपूर्ण भाव आमूलचूल तदंत करेंगे जो साई पड़ा अच्छा झुपड़ी घर से समस्त मतामत ने कारण आगुरी सी माँ को मारपीट करा कि कौन दाबी करा कि पैसा पत्र मगुला कि एमती सब दृष्टि को लेकिन बर्तमान पुलिस तदंत जारी रही तेरे रामचंद्र जो साई पड़ोसिया जो साई पड़ा रही थे से माने किसी प्रतिक्रिया रखुंत कि माँ पुह भितर एमती आगुरी पाटितुंड होता आज उत्त्यक्त घटना होमती किसी प्रतिक्रिया मिल पारी कि जदि आम कैमरा सामना को से मतामत देवाई इच्छा प्रकाश करना तथापि ये कही सबुदे से संध्या को मद्यप पुह संध्या को मद पी आसे और माँ से झगड़ा कै जेहेतु माँ स्वास्थ्यगत कारण फिजिकल फिटनेस कारण निश्चय बाहर को पदा बाहि पार ना यहाँ को लेकिन निश्चित भाव में अने भी तागिद करते साई पड़ा यह कार्य को निवृत्त रहा कि मद्यप युवक जहाँ को तार माँ को सब बड़े मानसिक शारीरिक जंत्रणा दे आसा ग्राम मान पड़ी मतामत सूचना मिली तेरे मृतक माँ जनकर पुलिस पोस्टमार्टम सारे कि आरोप जो क्रियाकर्म सब कर हाँ बर्तमान तो आज पोस्टमार्टम प्रक्रिया सरला बर्तमान पोस्टमार्टम प्रक्रिया सरला तार निश्चित क्रियाक्रम कथा कहे पर जे बिरादर अच्छे तमको शब हस्तांतर करेंगे और आवश्यक तेज निश्चित भाव में जिला प्रशासन पक्षर भी किसी आर्थिक साहय देवार संभावना रही निहाती भाव में गोटे दुखद खबर आम कहीपर जहाँकि समाज में क्योंभली भाव में उदाहरण सृष्टि करुच्छी देखो रामचंद्र कि जड़े जन्मकला माँ को पुव मार पछौने किटा टा लोभ में बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र आपंकर तमाम सूचना और आलोचनापी तेज दर्शक बंधु आसवा परवर्त खबर को रायगढ़ जिला सदर महकुमा पौर परिषद नहीं निर्वाचन वातावरण धीरे धीरे सरगरम होवे लगी समस्त राजनैतिक दल कले बड़े कौशले निर्वाचन बैतरणी पार होवा नहीं दिन राति एक कर किए विकास कथ कौन तो आउ किए व्यक्तिर व्यक्तित्व को प्राधान्य दूसरी तेज रायगढ़ प्रमुख राजनैतिक दल पर आसन सम्मान प्रश्न होती तेज ये सब जदि देखा आउ मात्र गोटे दिन प्रचार रही तबे या भितर जदि देखिबा निर्वाचन मैदान रु अधिक सूचना देउछंती आम प्रतिनिधि तुषार रंजन साहू तबे तुषार जदि वर्तमान देखिबा आउ मात्र गोटिए दिन हातरे रहिछि प्रचार पे 24 घंटार समय रहिछि आ 24 घंटा प्रचार को केउबोली भाबरे जो रहिछंती प्रमुख राजनीतिक दल बीजेडी कोंतु बीजेपी कोंतु कांग्रेस कोंतु ता सहित स्वाधीन प्रार्थी माने मध्ये रहिछंती तबे केउबोली भाबरे वर्तमान आउ जो रहिछि 24 घंटा हातरे ताकु केउबोली भाबरे यूटिलाइज करछंती से माने देखंतु जो रायगडा वर्तमान जो निर्वाचन जो प्रचार मैदान गीतर स्वर से पूरा कंपी उठी जो विभिन्न दल रार्थी मान निज प्रचार मैदान रे विभिन्न स्थानीय मुद्दा को नौ लोक निकट को जाऊंट किए विकास कथा कहि तो किए दुर्नीतिर कथा कहि अन्य अंपटे रायगढ़ को एक स्मार्ट सिटी भाव गढ़ी तोलिबा को किसी दल स्वप्न भी देखा तेरे निहाती भाव जो दलय जो कर्मी मान अच्छा दलय प्रार्थी मान अच्छा से यही जो प्रतिश्रुति को केते पालन करिवे ताहा आगामी दिन जना पड़िबो तबे ए जो निर्वाचन इस्तेहार समस्त दलय दलय प्रार्थी एवं दल समस्त तीनोटी प्रमुख दल निज निर्वाचन इस्तेहार मध्य लोकक निकट रखिछन्ति एवं मुख्य जो रायगढ़ मुख्य समस्या उपर जो गुरुत्व यदि कहिबा ताले जो झोपड़ी रो जो लोक माने रहिछन्ति जो सेही लोक मानकु वर्तमान सुधा थैथान करा जाएने जेहेतु केन्द्र जो रेलवे प्रोजेक्ट रही से रेलवे प्रोजेक्ट जो तृतीय लाइन निर्माण हम से रायगढ़
तेणु से नहीं मध्य जो बस्ती बासिंदा रही वर्तमान सुधा थैथान कर उच्छेद करने नोटिस आसी तेबे यही जो मुख्य मुद्दा को समस्त प्रमुख दल गुरुत्व नहीं जेहेतु केन्द्र सरकार राज्य सरकार तालमेल रोनी तेणु निहाती भाव जो से बस्ती बासिंदा मान को थैथान कर राज्य सरकार जो जो बीजेडी जो मुद्दा रही से तुषार वर्तमान जदि देखिबा आमे जो कहउछन्ति शासक दलर बड़ मुद्दा रहउछि सेमाने कोन कोन सब काम करिछन्ति उन्नतिमूलक कार्य सरकार के काम करिछन्ति ताकू नै सेमाने जाउछन्ति जो रहिछन्ति भोटर मानक पाखकु आ विरोधी दल मुद्दा करुछन्ति कि सरकार के काम करि पारि नाहन्ति को को काम तांकर बाकी रहिछि से ड्रेन समस्या हौ मशा समस्या हौ किंबा लाइट समस्या हौ विभिन्न समस्या नै जाउछन्ति विरोधी दल तबे यार भितरे भोटर कोन देखुछन्ति कारण आज पर्यंत समस्यार समाधान हैनि आ गोटे पटे शासक दल कहउछन्ति आमे समस्यार सब समाधान करुछु आगको आमको भोट देले आमे आउरी समस्यार समाधान करिवु तबे भोटर को मूड कोन रहउछि सेमाने के बोली प्रतिनिधि चाहउछन्ती न्यायत भाबे देखंतु रायगडा जिल्ला रायगडा जो पौरांचल रे पाका पाकी 56597 टी भोटर्स रहिता बळे एही भतरु 40% भोटर तेलुगु संप्रदायर अछन्ती तबे जो तबे सहरांचल होइतिवारु एठे शिक्षित भोटर्स को संख्या मध्य बेस रही बेस बहुत मात्रा रही तबे ए जो शिक्षित भोटर्स रही आगामी दिन में जो मूड रही भोटर्स को मूड आम सीधा सब किसी भोटर्स सहित आलोचना जो से जे विकास कर जे उन्नति कर विकास तो बहुत मात्रा विकास होती से भोटर्स मत रखुले जो विकास जहाँ भी बाकी रही स्थानीय समस्या रही जो लाइट समस्या एवं जो ड्रेनेज जो समस्या जो जो वर्षा दिन जो ड्रेन फिलअप हो जाए जो विभिन्न समस्या रही से समस्या गुड़ा को गुरुत्व दे देवा को जो जे कि से समस्या समाधान करी पारिबो से भली प्रार्थी को बाछिया वोटर्स माने निष्पत्ति नहीं तबे तुषार जदि देखिबा आपण गत काली होली रे होली को मध्य होली रा सदुपयोग करिसेंति विभिन्न दलर प्रार्थी शासक दल कथा कहंतु किंबा विरोध दल कथा कहंतु किंबा जो स्वाधीन प्रार्थी रहिसेंति सेमारे समस्त होली रे मध्य रंगीन हेई रंग लगे भोटर को आकृष्ट करथिले तबे आउ मात्र रहउछि 24 घंटा रा समय ए 24 घंटा को सेमारे केउ भली व्यवहार करुछंति केउ भली ढंग रे जाई कि पहुचुछंति भोटर को पाखरे निहाती भाबे जो किछि स्वाधीन प्रार्थी अछंति किछि दलय प्रार्थी मध्य अछंति स्वाधीन प्रार्थी मैंने बेस कर घर को घर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर दलियों प्रार्थी मैंने रही पूरा पूरी भाव लोक पूरा पूरी निकटतर है विभिन्न गीत मध्यम जो निर्वाचन इस्ताहार दे लोक को विभिन्न जो सभा समिति कर लोक को आकृष्ट करने योजना कर लोक जो के आकृष्ट मात्र निर्वाचन को मात्र 4 दिन रही चारिदिन पर जना पड़ कौन रही जनमत एवं कहा सपक्ष जन समर्थन कहा सपक्ष चारिदिन जना पड़ तबे तुषार वर्तमान जदि आमे देखिबा ए जो 3 दिन समय आउ रहिला आज हेला 20 तारीख आउ 3 दिन रहिला तबे ए 3 दिन भितरे आउ मात्र प्रचार पे रहउछि 24 घंटा हातरे ता भितरे 2 दिन तबे या भितरे जदि देखिबा आमे भोटर माने तांकर जो रहिछंती जो प्रतिनिधि माने जाउछंती जो प्रार्थी माने जाउछंती तांकू देखा करिया पे तांकू से माने कोन प्रश्न पचारुछंती से मानकू कोन माने तांको पाखरे रखुछंती दाबी कि आपण ए जिंस करिवे जदि आमे भोट देबु ना एमिति किछि दाबी रखुनांती भोटर कोन देखिबा को मिलुछि वर्तमान हाँ देखु जो भोटर्स मैंने बर्तमान शिक्षित भोटर्स से निजर विकास जो अंचल विकास कथा से कहते जो प्रार्थी रही प्रार्थी को से विभिन्न प्रकार प्रश्न पचार कौन विकास करें कौन ना एने जो प्रार्थी मैंने निज मत रखिंट लोक प्रतिश्रुति दौरान जे तांकर जहाँ भी समस्या हम तक समस्या समाधान करने तुम स्तर चेष्टा कर प्रतिश्रुति दौरान तबे जो प्रतिश्रुति पाई वोटर्स माने कौन मत देबे निहाती भाव में हाथ में अल्प दिन रहा आउ मात्र 24 घंटा रहा भोटर पाखक जावाई तेज देखा जाऊ कौन हो 24 तारीख अपेक्षा करवा 24 तारीख भोटर मैंने जो रही प्रतिनिधि जो प्रार्थी रही भोट दे निर्वाचित करेंगे आ 24 तारीख में जमापड़ फलाफल बहुत बहुत धन्यवाद तुषार आपंकर तमाम आलोचना।
तेज दर्शक बंधु आसवा परवर्त खबर को आज हूँ विश्व घरचटिया दिवस घरचटिया आप समस्त जानते तेज आज पालन विश्व घरचटिया दिवस सारा विश्व आज पालन कर दिवस टी तेज दिनक दिन सहरांचल और ग्रामांचल कंक्रीट जंगल गढ़ी उठुवा कारण घरचटिया देखा मिलूना जहाँकि समस्त गोटे क्षोभर विषय गाँ गहली नड़ा छपर घर परे सीमेंटर घर या आप देखिपे समस्त स्थान में नड़ा छपर घर आज देखा मिलूनी जहाँकि घरचटिया मैंने आगे रोते सेठे बसा कर तेज आउर बसा कर मध्य जो स्थान अभाव देखा वर्तमान यहाँ परिवर्ते वर्तमान सीमेंट घर या देखा मिलूना विलुप्त प्राय घरचटिया जीव तेज ये घरचटिया जीव रही आज दिन टी पालन करे अधिक आलोचना आम सहित अजय नाथ जोड़ी आम सहयोगी तेज अजय जदि देखा आज सारा विश्व पालन करश्व घरचटिया दिवस जो घरचटिया आगे जो किचिरमिचिर शब्द शुणी आमको गोटे खुशी लगे सन्ध्या हो गले किचिरमिचिर शब्द करती से घरचटिया आम घर कोण से जो चाला घर रही है कोणरे से माने मध्य तांकर बासस्थान करिथांती किंतु आज से घर अभाव देखा दउछि जेहेतु ग्रामांचल नहीं सहरांचल सब स्थान आउ चाला घर देखा मिलूनी सबुटी कंक्रीट रो सहर हो गला तेबे यहा कु नहीं सारा विश्व में समस्त यह गोटे चिंतार कारण जो परिवेशविद माने रहिछंती से माने मध्य यहा कु नहीं चिंता प्रकट करुछंती कमिबारे लगी पृथ्वी पृष्ठ बर्तमान बहुत कम हो गला घरचटिया आम मैंने गाँ गहली जिते बड़े प्रथम देखुल नड़ा चपर घर थिला से समय चाड़े कदम्ब गच्छा से चाड़े नड़ा चपर घर उपर से बसवास करुते सका से किचिर मिचिर शब्द से निद भांगुला और संध्या बेलू से घर को फेरुले समय समस्त जना पड़ा जटा संध्या समय हो गला जना पड़ा सेमती बर्तमान आई भाव में घरचटिया देखा मोटा मोटी देखी पारू ना लोके जानी पार ना आज कालिका मान जो मैंने शिशु मान अच्छा जो मैंने बालक बालिका मैंने घर चटिया मैंने कौन बोली पचारूंट जहाँ बही सीमित हो रही है घर चटिया तो निश्चित भाव यह एक मान चिंता करिवार विषय है बर्तमान जो भाव में देखते घरचटिया दिनक दिन लोप पाँच वंश विस्तार जदि न निश्चित भाव में आउ किसी वर्ष पर घरचटिया धरापृष्ठ विलोप होते संदेह ना से जंगल विभाग संबलपुर चढ़ई क्लब संबलपुर ए दायित्व ग्रहण कर संबलपुर अंचल आम चढ़ई क्लब जो रही है चढ़ई क्लब सदस्य सदस्य मैंने घरचटिया कि भाव में सुरक्षित रखा जापर से कि वंश विस्तार करेंगे ये संबलपुर अंचल कि घरचटिया अंचल चिंता करी जुब कर्मकर्ता बर्तमान अंटा भिड़ी जंगल विभाग सहयोग कर वन्य प्राणी विभाग जो रही डीएफओ रही जो मैंने कार्यकर्ता रही बर्तमान अंटा भिड़ी बर्तमान प्रत्येक अंचल सहर जो भाव में जो जो अंचल गुड़ाक रही नेक्स्ट माने तैयारी कर जोटा माटी रो नेस्ट तैयारी कर कार्डबोर्ड रो नेस्ट तैयारी कर गच्छ मानकु दउचंती एवं गच्छ माने रखुचंती पानी से मानकु दउचंती सेइ भली जने व्यक्ति थिले घरचटिया बर्तन संबलपुर देखा जाय नथांते जने मोहम्मद अलीम नामक जन व्यक्ति जिला स्कूल छकल जी सहर मध्य रहा से हीराकूद काम करते दीटा चारिटा घर चटिया से पाई प्रथम आंकर घर पाखे रखी से प्रोटेक्ट कर रखी थे आस्ते आस्ते से घर चटिया गुड़ाक दिमास तीन मस रहा बाहर को पलिगले से भाविले से पलिगले कि परवर्त समय संध्या समय से पुणी फेरी आसिले रे घर चटिया आज किसी वर्ष ते से पांच छटी घर चटिया नहीं रखी थे आज से हजार संख्यार घर चटिया रही से कौन प्रकार भय सन्ध्या फेरी आसुचार से छक को छक बसा बांधि से बजा बाजुचे से रास्ता दे प्रत्येक दिन जान बाहन चलाचल करते समस्त जास कर अजय बर्तमान ये परिवेशविद माने कौन मतामत रखुं घरचटिया के भाव में आम वंश को सुरक्षा दे पार घरचटिया मान सुरक्षा दे पार जहाँकि भविष्य जो वंशधर आम अच्छा से जापर कि घरचटिया गोटे जीव रही यह आमपाई मानने के खुशी दूसरा कि जो किचिरमिचिर शब्द से सुनिपारे देखु वर्तमान समय रे समस्त को सचेतन होवार आवश्यकता रही समस्ते निज निज घरे कम से कम पानी दियंतु पक्षी मान जेहेतु खरा घरचटिया मानक नेस्ट तैयारी कर रखत जो भाव में आम संबलपुर सहर रे किसी स्थान रे चढ़ई क्लब जो सभ्य मैंने अच्छा से नेस्टिंग कर विभिन्न गच्छ जोटा कि जो जो जगह पक्षी मैंने बसा बांधती बड़ बड़ गच्छ मैंने रही बड़ बड़ बिल्डिंग रही से बिल्डिंग मान से मटीर पात्र या रखुच नेस्ट तैयारी कर जो नेस्ट गुड़ाक कि घरचटिया मैंने
ଆସିକି ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଫିଡିଂ ପାଇଁ ଧାନର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଚାଉଳର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ପୋକ ଜୋକ ଖାଇବେ ସେ ନଡ଼ା ଛପର ଘରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ସେମିତି ଗଛ ସନ୍ଧିରେ ସେମାନେ ନେଷ୍ଟିଂ ତିଆରି କରିକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ନେଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଘରଚଟିଆ ନିଜେ ଆସିବ ତାର ଘର ପରି ରହିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଘରଚଟିଆକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜେ ନିଜେ କମ୍ ସେ କମ୍ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଇଏ ପାଇଁ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ କିନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ନଥିବେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଜନମାନସ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ନହେଲେ ଧରାପୃଷ୍ଠିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘର ଚଟିଆ ବିଲ ପାଇବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଜୟ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଘର ଚଟିଆର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି, ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ପକ୍ଷୀ ଘର ଚଟିଆ ରହିଛି ଏହା ଦିନେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଘର ଚଟିଆ କ'ଣ ରହିଥିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅଜୟ।